हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विदिशास इंडियन किचन में। आज हम बनाएंगे मूली पत्ता मूंग दाल डालकर इसका भुजिया, जो जिसे आप रोटी पराठा या पूरी के साथ सर्व कर सकती हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो चलते हैं, बनाते हैं मूली पत्ता और मूंग दाल डालकर भुजिया। हमने गैस पर कढ़ाई रख दिया है गर्म होने के लिए। अब इसमें हम तेल डाल देते हैं। हम सरसों का ऑयल लिए हैं 2 चम्मच। अब इसे गर्म कर लेते हैं। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें हम तड़का लगाएंगे। 2 सूखे मिर्च हमने तोड़ कर डाला है। आप अगर तीखा जितना चाहती हो उतना डाल सकती हो। और 4 लहसुन की कलियां जिसे हमने बारीक काट लिया है, इसे हम अच्छे से भून लेंगे। देखिए हमारा तड़का अच्छे से भून गया है। अब इसमें हम डालेंगे मूली पत्ता और 1 मूली लिए हैं। हमने 250 ग्राम मूली का पत्ता और 1 मूली लिया है। इसे हमने बारीक काट कर लिया है और इसी में हम मूंग दाल 50 ग्राम 1 मुट्ठी के अंदर डाल देते हैं और इसे हम तड़का ला लेंगे। इसे हमने दो मिनट हमने इसे उलट पलट करके इसको चला लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं 1/4 चम्मच से 1/2 चम्मच हल्दी और स्वाद अनुसार नमक। अब इसे हम चला लेंगे। जैसे हमने इसे चला लिया है, अब इसमें हम डाल देते हैं पानी, इसे अच्छे से ये पक जाए। आप इसे अगर चाहें तो कुकर में 1 सीटी लगा सकते हैं, लेकिन हम कढ़ाई में ही इसको पका लेंगे इसे चलाते हुए। अब ढक देते हैं। तो देखिए हमारा ये मूली पत्ता का भुजी मूंग दाल डाल के अच्छे से पक गया है। इसे हमने 20 मिनट में लगा है पकाते हुए और 1 कप से हमने 1 कप पानी डाला था। आप अगर कुकर में बना रहे 10 मिनट में बन जाएगा। और 1/2 कप पानी डालें, 1 से 2 सीटी लगा और पानी जो रहेगा उसे कढ़ाई में पिसाने के या कुकर में। तो हमारा तैयार हो गया है। इसे हम 1 बर्तन में निकाल लेंगे। अगर ये रेसिपी आपको हमारी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको हर एक वीडियो आपके पास मिल जाएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा तो और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।